लाजवाब, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हेलो गैस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं गैस? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए गैस, ये क्या है? कछुआ बड़ा सा, देखिए बाहर निकाली है। इतना बड़ा कछुआ मिला है, देखिए। आज इसका हम लोग मटन बनाने वाले हैं। देखिए जिंदा है पूरा, अभी पक रहे हैं इसीलिए नहीं चल रहे। चलो चलो, नहीं जा रहा है क्या? घूमता है केवल, पूरा लकड़ी जैसा गट लग रहा। पानी से इसको ये कर रहे हैं गैस, उसका मुंडी निकालता ही नहीं, कैसे मारेगा। अंडा है इसमें, अंडा है, देखो। देखिए गैस, अंडा। मुर्गी के जैसा अंडा दिखता है इसका, बिका पीला पीला। अरे मुर्गी का अंडा जैसे ही मोटा मोटा रहता है तो। इसको फेंकते हैं, रखे रहो ना, उसमें इसका जो मटन है उसको निकालेगा। ये देखो, इधर पुट पुट कर रहा है इसका जी। इसको फेंकना है ये ना, देखा? हाँ दिखाओ गैस। हाँ। लोग देखिए गैस, इधर ये जो हिल रहा है ना, ये पकने के बाद भी हिलते ही रहता है, तो कभी भी आप बनाते हैं तो इसको निकाल दीजिएगा। बोलते हैं कि ये पकने के बाद भी ऐसे हिलते रहता है, बोलते हैं। ये अंडा देखो कछुआ का, ये अंडा है, दिखा दिखा। देखिए गैस, ये वाला दो अंडा रेडी हो गया है, देखिए। और बाकी बात सब, और ये जो पीला पीला दिख रहा है ना, ये सब अंडा है। हाँ इधर बगल में रखिए ना साइड में। हाँ चलो पूरा निकाल दीजिए ना, आधा किलो से ज़्यादा हो जाएगा। देखिए गैस, इसका खोपड़ी। हमने कट करके फिनिश कर दिया गैस। अब इसको गर्म पानी से थोड़ा अच्छा से वॉश करेगा दोस्त, कहे कि बिसर बिसर वॉश नहीं मारेगा, खाने के लिए भी अच्छा टेस्टी लगेगा गैस। तो अभी मैं पूरा कट करके फिनिश करके गर्म पानी से अच्छा से धो रहा हूँ। अंडा देखिए, ऐसे अंडा हम तो पहली बार देख रहे हैं, कछुआ का ऐसे लंबा होता है। गरम है पूरा, बहुत गरम है क्या? अंडा को नहीं धोइएगा, वहीं पर धोते से। मुर्गी के जैसा दिख रहे हैं। हाँ। तेल गरम हो गया गैस, मिर्ची डाल रहा हूँ मैं। लहसुन डाल रहा हूँ, प्याज डाल रहा हूँ, मेरा प्याज लाल हो गया गैस। अब मैं डालता हूँ कछुआ का मांस। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहा है गैस। लगा दीजिए ढक्कन, इसको थोड़ा देर ढक देता है ना। तेल निकल गया। नमक डाले हैं? नहीं नमक नहीं डाले। अरे नमक डाल दीजिए, अपना स्वाद अनुसार नमक। हल्दी पाउडर ऐड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हल्दी मार डाली।
बस हो जाएगा। ये मिक्स मसाला है, इसमें टमाटर गलने के लिए डालते हैं ना। जब तक टमाटर थोड़ा हल्का नहीं पक जाता है तब तक बीच में ढक दिया है। टमाटर पिघल गया, टमाटर गल गया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं हम लोग को, थोड़ा ग्रेवी चाहिए इसलिए। अब इसको थोड़ी देर के लिए खूब पकाएंगे। देखिए तैयार हुआ क्या? तैयार हो गया, तैयार हो गया है दोस्त। कितना अच्छा ग्रेवी बना है देखिए, बहुत अच्छा से बना है। और मटन भी अच्छा से पक गया है, पक गया है अच्छा से। अब इसको उतारते हैं। इस तरफ रखिए, ठीक से पकड़िए। ये मैं प्लेट लेके आती है, नीचे रख लीजिए, गर्म है, हाथ जल जाएगा नहीं तो। कितना स्वाद दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। इसका ग्रेवी भी काफी सुंदर बना है। टेस्टी है। लाजवाब, बहुत ज्यादा टेस्टी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, अभी के लिए बाय।